Hi everyone, and I'm here and out of time to talk to all of guys on a very important topic. It is, it's very helpful to all of you. Hindi, Junu, ya English, kaun sa bhasha? English is more tough for me, Hindi bolunga ya English bolunga, ye mix nahi ho paega. चलो आज हिंदी में बात करते हैं. बात करनी थी ये आतंकवाद एक मुद्दा है. मुझे पूछना था आपसे. जो आतंकवाद है अगर इस पे आपको मतलब कुछ बोला जाए इसको कैसे मतलब एकदम खत्म किया जाए तो आप एक लाइन में क्या आंसर कर देंगे? I'll answer your question on time. जो बोला है बोले. Yeah, that's important thing. Alright. So कल मुझे ऐसा क्लास में लगा जैसे मैम ने कुछ बोला, अपना थॉट दिया, पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे मुझे लगा कि शायद ये बात मुझे करनी चाहिए, ये आप लोगों को बताना चाहिए कि क्लास के क्या मैनर्स होते हैं, कि कैसे हम लोगों को टीचर के साथ रिएक्ट करना है, कैसे उनके साथ बात करनी है. वो अचानक बोला कि मैम अरे पढ़ाइए. तो ऐसा नहीं होता है. अगर हम किसी से बात करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं तो एक उसका मैनर होता है जिससे जिस मैनर के साथ हमको बात करनी चाहिए. जो बोला था ना तो है इन्हें बताने से क्या फायदा. नहीं नहीं मैं ही बोला था. आप ही थे. हां ये थे. सो इट्स इट विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू लिसन केयरफुली. यू नो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है अपना अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करी जाती हैं. बट इंडिया में हम लोग इन सब चीजों को भूल चुके हैं. अगर इलाहाबादी स्टैंडर्ड की बात करें तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें होती क्या. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हम लोग स्कूल में जब गए होंगे तो मैम ने टीचर ने या घर पे पेरेंट्स ने आप लोगों को बताया होगा कि कुछ मैजिक वर्ड होते हैं, फाइव मैजिक वर्ड्स होते हैं जिनका यूज मोर एंड मोर करना चाहिए हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में. वर्ड है thank you. Sorry. Excuse me. Fine. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये पार्ट है. ये बहुत कम लोगों को इंडिया में पता है कि ये ब्रेक वर्ड होता है. जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता शायद नोट कर सकते. लिसन मी केयरफुली, यू नो यू वांट टू टॉक विद मी नॉट विद योर ओन फ्रेंड. यू नो दोस्तों से बात तो आप तब भी कर लेंगे जब मैं नहीं हूँ. अभी हूँ तो आप बात कर लो. समझ में आ रहा है. पहला वर्ड है प्लीज. कब प्लीज बोलते हैं? ये जो पांच वर्ड हैं इनको बिल्कुल अपनी आदत में ऐसे डाल लीजिए कि अगर आप बात चालू कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो इनको यूज करिए ही करिए. ये बहुत जरूरी है. ये आपके पर्सनालिटी को, आपकी टॉकिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देंगे, बहुत बढ़ा देंगे, आपके स्टैंडर्ड को एकदम बाउंस कर देंगे ऊपर की तरफ. बहुत लोग हम आप लोग हैं सारे लोग हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये बंदा तो बड़ा स्मार्ट है, ये तो काफी इंटेलिजेंट है, मैं कैसे इससे बात करूं, ये इतनी अच्छी बातें करता है. तो ये सब टाइप के जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं आप लोगों के अंदर आते हैं, हम लोगों के अंदर आते हैं सारे, तो ये इन्हीं चीज़ों की वजह से आते हैं. ये जो कुछ मैजिक वर्ड्स हैं इनका अगर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें हेल्प मिलेगी कि आप अपने जो टॉकिंग स्टाइल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए. नहीं आप इंग्लिश बोल सकते हैं अगर एकदम फ्रिक्वेंटली जिसको बोलते हैं नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, तो कुछ हिंदी में वर्ड ऐसा कर सकते हैं कि हाँ लगे कि हाँ दिस गाय नोज इंग्लिश लिटिल बिट, थोड़ा सा ये इंग्लिश जानता है. तो पहला वर्ड है प्लीज. एक्चुअली हम लोग सभी जानते हैं प्लीज को मतलब कृपया. कहाँ पर बोलते हैं प्लीज? अगर आप किसी से भी
कुछ भी कोई छोटा सा भी काम कह रहे हैं कि ये पेन उठा देना, ये पानी का बॉटल दे दूँ, मम्मी से बोल रहे हैं कि खाना दे दूँ, या कुछ भी ऐसा समथिंग लाइक छोटा सा भी काम, तो उससे पहले आपको ये यूज करना चाहिए, प्लीज गिव मी दैट बॉटल, प्लीज गिव मी दिस पेन, या प्लीज टेल मी योर नेम. जैसे मैं पूछते हैं अगर आपको क्वेश्चन, क्या आपको बोलना चाहिए, सीधे ये नहीं बोल देना चाहिए मैम ये समझ में नहीं आया रिपीट करो, बोलना चाहिए मैम kindly requesting you please elaborate it again. मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इसको दोबारा दोहरा सकते हैं क्या, है ना, या ये तो कुछ ज्यादा हो गया, kindly requesting you please elaborate it. बोल दीजिए मैम प्लीज दोबारा समझा दीजिए, तो उनको भी लगेगा कि हाँ बच्चा रिक्वेस्ट करके बोल रहा है तो दोबारा बता देंगे, बस मैं नहीं बताती हूँ, आप ऐसे बोलोगे यार दोबारा बताओ तो यार कौन बताएगा, है ना, इट्स क्वाइट टफ टास्क अगर आप ऐसे पूछेंगे तो. पहला वर्ड समझ में आगे प्लीज हाँ भी यूज करते हैं, अभी तक पता तो सबको होगा लेकिन शायद यूज ना करते हो, तो मे बी सम टाइम अगर आप किसी से बात करें तो यूज कर भी लेते, लेकिन इसको मॉडर्न मॉडर्न यूज करना बिल्कुल रट लीजिए. दूसरा वर्ड है थैंक यू. थैंक यू तब यूज करते हैं जब किसी से कुछ लेते हैं या किसी ने आपके लिए कुछ किया होता है, तब थैंक यू वर्ड का यूज करते हैं. किसी ने आपको बॉटल उठा के दे दी, आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू. किसी ने आपको निकलने के लिए रास्ता दिया, आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू. किसी ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया, आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू. मम्मी ने आपको खाना दिया घर पे, आप उनको बोल सकते हैं थैंक यू. वेटर ने आपको आपका ऑर्डर लाके दिया, आप उसको बोलिए थैंक यू. थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो ये आप दिखाएगा लोगों को कि आप कितने पोलाइट हैं, और एक बड़ा जो दुनिया में होता है बड़े लोग हैं ये सारे बड़े अपने स्वभाव से ही हैं, बहुत उदारवादी, उदारवादी शायद न समझ पा रहे हो आप लोग, बड़े हृदय के, तो ये सारी चीजें वो भी फॉलो करते हैं. उनके सामने अगर कोई वेटर आ रहा है तो उनकी कुछ भी औकात नहीं है वेटर की उनके सामने, लेकिन वो तब भी थैंक यू बोलेंगे ना, क्योंकि ये उनके मैनर है, ये एडिकेट्स है, गुड एडिकेट्स, है ना. तो ये सारी चीजों को हमको यूज करना चाहिए. और बड़े लोगों से एक शेर आया कि मैं इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों से वाकिफ हूँ, बड़ी मुश्किल है इस दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना. समझ में आ गया शायद, बड़े होकर बड़ा होना बहुत बड़ी बात है. तो ये थैंक यू वर्ड था. दूसरा तीसरा वर्ड है सॉरी. सॉरी तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऐसे आप अगर समझे तो इसको तो यूज करना ही चाहिए, क्योंकि चलते हुए या किसी से बात करते हुए ऐसा मूवमेंट आया था, हम किसी को हर्ट कर देते हैं या किसी को टक्कर लग गई, या आपको लगता है कि आपने किसी को जरा सा भी हर्ट किया, या आपको ये लग रहा है कि आपसे किसी को जरा सा भी हर्ट हुआ, या आपने कहीं छीका या खांसा, या आपने जमवाई ली, तो आई एम सॉरी. जहां पे ग्रुप से हट के कुछ हो गया आपके साथ, तो वहां पे आपको सॉरी बोलना चाहिए. अक्सर लोग नहीं बोलते हैं ना, या आप चीख रहे साथ आई एम सॉरी बोल सकते हैं, या कुछ बोल रहे हैं आपने बीच में रुक गए तो सॉरी, या रोड पे चलते हुए किसी ने कंधा मार दिया, किसी से कंधा टच हो गया, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी. हाँ ऑटोमेटिकली निकल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी आदत में है. सॉरी इज अ वेरी जनरल वर्ड, इज अ वेरी सिंपल वर्ड, तो आप निकल जाते क्या प्लीज निकलता है क्या, ये थोड़ा सा टफ है, हम लोग प्लीज बोलते ही हैं क्या, थैंक यू निकलता है क्या हर बात पर, नहीं निकलता. सॉरी जनरली ज्यादा हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेते हैं, निकलता है अच्छी बात है. एक और वर्ड आता है एक्सक्यूज मी. इसका वर्ड का यूज तो बिल्कुल कोई करता ही नहीं है. एक्सक्यूज मी जैसे मैम बैठे हुई है, इनको यहाँ पे लड़का खड़ा होता रहता है, अब ये पीछे खड़ी थी, इनको निकलना था, तो अब ये इंतजार कर रही है कि ये बंदा निकल जाए, उसके बाद ना निकलो, तो इतना टाइम है लोगों के पास यहाँ पे. अरे सिंपली बोलो एक्सक्यूज मी, मेरे सॉन्ग को बोलने में क्या जाता है भाई, तो सामने वाला हट जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई इंतजार कर रहा है कि मैं हटे तो वो जाए, है ना. तो एक्सक्यूज मी बोला तो सामने वाला है हट गया, वो जस्ट शो प्लीज जाओ, या एक्सक्यूज मी आई जस्ट वांट टू से समथिंग, या आपका ग्रुप में कोई दोस्त लोग बात कर रहे हैं, आपको इंटर करना है, या उनसे बात स्टार्ट करनी है, या कोई अननोन पर्सन आपस में बात कर रहे हैं ग्रुप में, उन
जिनसे आपको इंटर करना है उनके बारे में बात करनी है. एक्सक्यूज मी, कैन आई से समथिंग? मुझे ध्यान दीजिए मेरे पे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ. एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? क्या मुझे आपका ध्यान मिल सकता है? या आपको ग्रुप से निकलना है कहीं, दोस्तों से बात करना है, अचानक कॉल आ गया आपका? सो एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वांट टू टेक दिस कॉल. एक्सक्यूज मी का यूज करके आप किनारा मार सकते हैं, हट सकते हैं, या आपको कहीं जाना है, घर जाना है, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, आई गो बैक टू माय होम नाउ ओवर. सो ये एक्सक्यूज मी एक वर्ड होता है, उसका यूज कर सकते हैं. और एक ये फ्रेज आता है पार्डन. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज दिस वर्ड. एक्चुअली पार्डन मी एक ऐसा वर्ड है जो इंडिया में बहुत कम यूज किया जाता है, ये वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा यूज किया जाता है. पार्डन मी का मतलब होता है, भाई दोबारा बोलना जरा, मुझे समझ में नहीं आया. जैसे हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे अपने जल्दबाजी में तो मुझे समझ में नहीं आया, या कोई चीज सामने वाले ने बोली जो है आपकी और आप समझ नहीं पाए, तो आप बोल सकते हैं पार्डन मी, दोबारा बोलिए जरा, मुझे समझ में नहीं आया. ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको यूज करने से भी आपका यू नो पर्सनैलिटी जो है आपकी इम्प्रूव होगी, आपकी टॉकिंग स्टाइल, आपकी लैंग्वेज और आपका स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें बढ़ेंगी. तो ये पार्डन मी एक पांचों वर्ड होते हैं. तो ये पांच ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोला जाता है गुड वर्ड्स. सबसे पहले जब बच्चे नर्सरी के एज में जाते हैं तो हम लोगों को यही सिखाया जाता है, जब पापा मम्मी आपस में जब भी बच्चे से बात करते तो ये सारे गुड वर्ड्स सिखाते हैं, गुड मैनर्स जिन उनको बोलते हैं, बेसिक गुड एटिकेट्स. तो ये पांच वर्ड्स हैं, तो मैंने सोचा कि इनको बता दूं, क्योंकि मुझे लगा क्लास में इस चीज की लैक है, कमी है, कि लोग नहीं जानते कि कैसे हमको रिक्वेस्ट करना है. जैसे कल वो बच्चा बैठा था तो उसने बोल दिया था ना कि मैम जरा इसको दोबारा बताओ. मैंने आज बताया ना कि आपको कैसे बोलना है कि मैम काइंडली रिक्वेस्टिंग प्लीज, कैन यू प्लीज रिपीट इट, कैन यू प्लीज इलैबोरेट इट अगेन. ये थोड़ा लंबा ज्यादा हो गया, अब शॉर्ट में बोला प्लीज मैम दोबारा बोल दीजिए, तो मैम का भी मन करेगा या टीचर का भी मन करेगा कि हाँ दोबारा बोल दो. ऐसे बोलोगे दोबारा बता रहा तो यू नो इट्स क्वाइट टफ फॉर टीचर टू रिपीट इट अगेन, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया ना, एक बार बताया ना, तो आपको अगर नहीं समझना है तो आपको रिक्वेस्ट करके उसको दोबारा जाना चाहिए. सो थैंक्स टू ऑल कि आपने मेरी बात सुनी.